चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं 27 नक्षत्रों में से उन 6 नक्षत्रों के बारे में जिन्हें गंडमूल की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि अशुभ माना जाता है। 3 नक्षत्रों के बारे में आपने जान लिया है, अब जान लेते हैं आचार्य जी से 4थे नक्षत्र के बारे में, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में कि इन जातक के लोगों का स्वभाव कैसा होता है और अलग अलग चरणों में किस तरीके की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आचार्य जी देखें, ज्येष्ठा नक्षत्र ये वृश्चिक राशि में पड़ता है और इस नक्षत्र का स्वामी है बुध। अब वृश्चिक राशि का स्वभाव व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, इनके अंदर उग्रता उष्णता रहती है, ज्यादा क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हृदय से सरल, अध्ययनशील, स्पष्टवादी, तर्कशीलता भी इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। ये इनके गुण हो गए। देखिए वो तो ऊपर नीचे हर जगह रहेगा ही, कहीं कुछ नरम है तो कहीं गरम है, स्थितियां ऐसी चलती हैं। अब तर्कशीलता और स्पष्टवादिता है तो कुशल राजनेता या वकील बन सकते हैं ऐसे लोग, ऐसे क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा लेकर के अपना पहुंच जाते हैं। वाक युद्ध में प्रवीण होते हैं, धार्मिक होते हैं, सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं, लेकिन दंभ होता है इनके अंदर, अहंकार होता है इनके अंदर। तो नरम गरम यहां भी आपने देखा, अप डाउन यहां भी आपने देखा। अब हम चरण वाइज बताते हैं कि किस प्रकार का फल आपको प्राप्त हो सकता है अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है। प्रथम चरण में भाई के लिए अरिष्ट कारक होता है, भाई का सुख कम कर सकता है, ऐसी स्थिति में शांति बेहद अनिवार्य हो जाती है। द्वितीय चरण छोटे भाई, तृतीय चरण माता या नानी के लिए अरिष्ट है। अरिष्ट का तात्पर्य आप मृत्यु या मृत्यु तुल्य संकेत से ही लीजिएगा, अरिष्ट होता ही इसी के लिए। चौथे चरण में अगर ज्येष्ठा का चतुर्थ चरण है तो ऐसा बच्चा, वैसे बहुत मुश्किल है उसका बच पाना, लेकिन अगर बच जाता है तो बहुत रुग्ण अर्थात बीमार चलता है, अपने लिए अरिष्ट कारक होता अगर चौथे चरण में जन्म हुआ है तो ऐसी स्थिति में। आगे पता चलेगा आपको मूल नक्षत्र, जिसके आधार पर पूरा सब नक्षत्रों का नाम ही गंडमूल पड़ गया है। एक नक्षत्र है मूल, उसको कहते ही मूल है, उसका नाम ही मूल है। तो मूल नक्षत्र में जन्म लिए जातकों के लिए क्या है फल और कैसे बचना है, उपाय भी बताएंगे। बिल्कुल, तो ये नक्षत्र आपके लिए अशुभ होते हैं, लेकिन रोज हम आपको बताते हैं आपके राशि अनुसार आपका लकी अक्षर, जो कि आपके लिए होता है बेहद शुभ। तो नोट कीजिए अपने राशि अनुसार अपना लकी अक्षर। चलिए खास अक्षर आप तक पहुंच रहा है, कला जंगल के खास दर्शकों तक। मेष के लिए वा अक्षर है और वृषभ के लिए सा, स्क्रीन पर आ रहा है ये आ गया। मिथुन के लिए है दा अक्षर और कर्क के लिए था, सिंह राशि के लिए ता अक्षर और कन्या के लिए फा, तुला राशि के लिए है मा अक्षर और वृश्चिक के लिए न, धनु राशि के लिए है पा अक्षर और मकर के लिए ला, कुंभ राशि के लिए का अक्षर और मीन के लिए ज। ये आपके अपने अक्षर हैं जो आपकी राशि के अनुसार आपको दिए गए हैं। कोई भी नक्षत्र आपका हो, अपनी राशि के आधार पर आप इन अक्षरों को अपने साथ रख करके 24 घंटे हंसते हुए बिता सकते हैं। बिल्कुल, अब लकी अक्षर के साथ साथ अपने राशि अनुसार नोट कर लीजिए, मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल। तो नोट कीजिए राशि अनुसार अपना राशिफल। बिल्कुल, मेष राशि वाले आज क्रोध बिल्कुल ना करें, शिक्षा में लेकिन हर कदम पर ध्यान दीजिएगा। बैगनी रंग आपके लिए आज शुभ रहेगा और 69% का भाग्य साथ देगा। वृषभ, आज के दिन वाहन लेने का विचार त्याग दें, अति विश्वास से बचे, सफेद रंग शुभ है, 72% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, साझेदारी में कष्ट होगा, अधूरे कार्य बनेंगे, काला रंग शुभ है, 66% का भाग्य। कर्क, साहस पराक्रम में वृद्धि के संकेत है, रुका हुआ धन मिलेगा, नारंगी रंग शुभ होगा, 76% का भाग्य आपके साथ रहेगा। सिंह राशि, ईश्वर के प्रति विश्वास रखें, माता को कुछ उपहार दें, लाल रंग शुभ है, 67% का भाग्य आपके साथ। और कन्या, आज कुछ नेत्र दोष की शिकायत हो सकती है, आंखों का ध्यान रखें, जीवन साथी से तालमेल बनाएं, जामुनी रंग शुभ है, 55% का भाग्य।
बिल्कुल। तो चलिए, आपने कन्या तक का राशिफल जान लिया है, अब आचार्य जी से जान लेते हैं पांचवें नक्षत्र के बारे में, यानी कि मूल नक्षत्र के बारे में। आचार्य जी, आप हर नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं और हर चरण के बारे में बता रहे हैं, चार चरण, कि वो क्या कुछ फल लेके आता है, लेकिन कनेक्शन क्या कुछ है इन चार चरणों का? बिल्कुल, देखिए चार चरण में ही वह गोचर से जो जातक होते हैं, मतलब चंद्रमा का जो संचरण है, वह 360 डिग्री को पूर्ण करना होता है। 27 नक्षत्र 108 चरण हो जाते हैं टोटल मिलाकर के, तो चंद्रमा 56 घंटे में लगभग 9 चरण संचरण करता है, लगभग 2.25 नक्षत्र चला जाता है। अर्थात इस प्रकार से वह अपने साइकिल को, अपने चक्र को 360 डिग्री को चंद्रमा को पूर्ण करना होता है। बढ़ेंगे अगली तरफ हम, अब मूल नक्षत्र के बारे में बताते हैं। मूल नक्षत्र का जातक अगर है तो क्या है इसका प्रभाव? मूल नक्षत्र यह बृहस्पति की राशि अर्थात धनु राशि में होगा और केतु का नक्षत्र है। मूल नक्षत्र के लोग धनु राशि केतु के नक्षत्र में पैदा होते हैं, अतएव धार्मिक और परोपकारी होते हैं। बृहस्पति का राशि है तो बृहस्पति के गुण आ जाएंगे, उदार हृदय, धनी और ईमानदार रहते हैं। ईमानदारी कूट कूट करके भरी होती है। ऐसे लोग अगर जज बन जाते हैं तो इनका नाम पूरे भारत नहीं, भारत के बाहर जाता है, देश विदेश भी ये प्रसिद्धि पाते हैं। परिवार को साथ लेके चलने वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि अकेले कुछ पा गए तो अकेले एंजॉय करना, ना 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 ना, हर किसी को साथ लेके चलते हैं। नीतिवान, नियमों को बनाने वाले और नियमों का पालन करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, सामाजिक कार्यों में व्यस्त और अच्छे संस्कारों से युक्त होते हैं। अर्थात मूल नक्षत्र के लोग बहुत अच्छे माने जाएंगे। लेकिन अगर हम चरण के हिसाब से देखें तो कुछ अरिष्ट इनके लिए भी है। मूल प्रथम चरण, पहला चरण, पिता का नाश करना है, पिता के लिए बहुत अरिष्ट कर होता है। द्वितीय चरण, माता का नाश। तृतीय चरण, धन का नाश। और चतुर्थ चरण, जातक सुखी रहता है क्योंकि अंतिम चरण है, चंद्रमा अपना बल समाप्त कर चुका है, चंद्रमा दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करने को आतुर है, इसलिए चौथा चरण सामान्य फल दे देता है, सुखी जीवन बिताता। सुखी मतलब ये हो गया कि दुख नहीं पाएगा तो सुख अपने आप आ ही जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, आपने जान लिया है पांचवें नक्षत्र के बारे में, यानी कि मूल नक्षत्र के बारे में, और इसके जरिए मैंने अपने भाई के बारे में भी जान लिया क्योंकि मेरा भाई इसी जातक का है। तो चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। कुलदीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। गुरु जी राधे राधे, मैम राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे भैया। कुलदीप राठौड़, बापा पहले से एल राजपुर। आवाज एकदम कम आ रही है, तेज बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो जी, 30 सितंबर 1991 पहले से अली राजपुर। एक बार फिर से दोहराइए कुलदीप जी। 30 सितंबर 1991। बहुत डिस्टर्बेंस है आवाज में, नेटवर्क में आ जाए अगर जल्दी से तो बात हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हेलो जी, बताइए। 30 सितंबर 1991। 20 या 30? 30 ऐसे इंग्लिश में बोल दो भैया। 91 मतलब 91 बस बोलो अंग्रेजी, देखो क्षेत्रीय भाषा से हम निकल आएंगे बाहर। बताओ समय, बताओ जल्दी से। रात 3:40 3:40 हाँ, और पहले से अली राजपुर। दोपहर का है ये? ये रात्रि का है गुरुजी। ए भैया पूरा बताया करिए आप लोग। चलिए, क्या प्रश्न है आपका? बाकानेर से एयरटेल एजेंसी लेना चाहता हूँ, मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और कौन सी लाइन में जाना चाहिए मुझे? जन्म स्थान कहाँ का है? अली राजपुर का, डबल ए अली राजपुर एल आई। चलिए बता देते हैं, एजेंसी अर्थात कार्य क्षेत्र से संबंधित आपका प्रश्न है, और ऐसी स्थिति में मंगल सूर्य साथ में बैठा हुआ है, व्यापार आप करेंगे। छठे में शनि, मंगल सूर्य साथ में, बिल्कुल व्यापार करेंगे, अच्छा चलेगा। जो भी एजेंसी लेना चाहते हैं आप, मिल सकता है। वैसे हम बहुत ज्यादा प्रॉपर सुन नहीं पाए हैं, ना हम जगह सुन पाए हैं, कई जगह कंफ्यूजन है, इसलिए बहुत श्योर होकर के हम नहीं कह पा रहे हैं। हाँ, 30 सितंबर 1991 के हिसाब से ग्रहों को हमने पढ़ लिया है, उसके आधार पर बृहस्पति की दशा है, और बृहस्पति की दशा में धन कम आता है। याद रखिएगा, केले का एक पौधा किसी मंदिर में आप जरूर लगा दीजिए, और कहीं पर इन्वेस्ट करने से पहले कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, तभी कदम बढ़ाइए। बिल्कुल। तो चलिए, अब जान लेते हैं बाकी 6 राशियों के राशिफल के बारे में, यानी कि तुला से लेकर मीन तक का राशिफल। बिल्कुल, तुला राशि वाले आज शिक्षा पर ध्यान दें, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद
मिलता रहेगा, लेने का प्रयास करिएगा। लाल रंग की शुभता रहेगी, 65% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक, खान पान पर ध्यान दीजिएगा, वाणी पर संयम रखें, सिल्वर रंग की शुभता रहेगी और 62% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, वाहन संभाल कर चलाएं, मित्रों का सहयोग मिलेगा, पीला रंग शुभ है, 65% का भाग्य। मकर, यात्रा टाल दीजिएगा, बड़े निवेश से बचें, हरा रंग शुभ रहेगा, 58% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कुंभ राशि, पूरा दिन थके थके से रहेंगे, शादी का संकेत दिख रहा है आज, काला रंग शुभ है, 64% का भाग्य आपके साथ। और अंतिम राशि मीन, स्थान परिवर्तन का योग है, भाई के साथ कुछ विवादों की स्थिति बन सकती है, गुलाबी रंग शुभ होगा, 59% का भाग्य आपके साथ रहेगा। तो चलिए, आपने राशिफल अपना जान लिया है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी नीयत खराब है, झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई को छिपा रहे हैं, तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि आपसे नाराज हो जाएंगे और कैसे उन ग्रहों को आप मना सकते हैं, वो खास उपाय भी हम आपको बताएंगे आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम में। तो फिलहाल देखिए उस कार्यक्रम की झलक, जल्द लौटते हैं। फिटनेस के लिए रोज एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज के लिए एनर्जी जरूरी है, और एनर्जी के लिए नया इंस्टेंट रसना फ्रूट प्लस आजकल यही रोज पीता हूँ। इसके अंदर है 21 विटामिन्स, मिनरल्स और नेचुरल फ्रूट एनर्जी। जस्ट पावर इट, शेक इट, ड्रिंक इट एंड गो। और अब 4 रसना 125 ग्राम के साथ ये थासु आइस स्टिक सिपर फ्री, और रसना 500 ग्राम के साथ ये फ्री मोबी फैन, यानी की फैन फॉलोइंग एवरीवेयर। ये जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी ना खुलने वाला रहस्य। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। चलिए अब जान लेते हैं छठे और आखिरी गणमूल नक्षत्र के बारे में, यानी कि रेवती नक्षत्र के बारे में। रेवती नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का स्वभाव कैसा होता है, और वो चार चरण जिसका कनेक्शन भी आचार्य जी ने बताया, वो अलग अलग चरण क्या कुछ लेकर आते हैं आपके लिए आचार्य जी? रेवती नक्षत्र ये बृहस्पति की राशि अर्थात मीन राशि में पड़ता है, अंतिम नक्षत्र है, अंतिम राशि भी है। नक्षत्र स्वामी होता है बुध। ऐसे लोग बेहद धनवान होते हैं, पैसे से पूरी तरह से भरे रहते हैं, सुंदर बहुत होते हैं, देखने में सौम्य रहते हैं, नृत्य आदि कला के बेहद शौकीन होते हैं, इनको नाचने गाने का बड़ा शौक रहता है, तर्कशील लॉजिकल होते हैं, विद्यावान रहते हैं, गुणी रहते हैं, पुत्र एवं कुटुंब के सुख से युक्त और बुद्धिमान रहते हैं, धार्मिकता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, अध्ययनशीलता रहती है, सरल स्वभाव के होते हैं, क्योंकि सम राशि है मीन राशि और बुध चूंकि सौम्य ग्रह है, राशि स्वामी भी बहुत सौम्य ग्रह बृहस्पति है, तो ओवरऑल बेहद अच्छा मानेंगे हम इसको, जो इसका फल है। प्रथम चरण में राजा के समान वैभवशाली बनाता है, राज सुख देता है। दूसरे चरण में मंत्री के समान सुख, तीसरा चरण धनवान,
और अंतिम चरण माता पिता के लिए अरिष्टकारी। अंतिम चरण वाला मामला यहाँ पे गड़बड़ होता है। हर नक्षत्र के अंतिम चरण में हमने निगेटिव ही पाया है, क्योंकि वह बिल्कुल क्षीण हो जाता है। चंद्रमा वहां पे नक्षत्र को क्षीण करता है, बल को क्षीण करता है। अगर चंद्र बल ही नहीं है तो व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं रह सकता, तमाम तरह के दुख जीवन में मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये 6 अलग अलग गणमूल नक्षत्र थे जिनका दोष भी अलग अलग था, लेकिन इन सभी का उपाय एक ही होता है। जी हाँ, वो खास उपाय भी आचार्य जी से जल्द ही जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, तारावंती बीकानेर से। तारावंती जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी तारावंती जी, आवाज पहुंच रही है। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार आचार्य जी, चरण से प्रश्न, बहुत बहुत मुझे खुशी है आपसे। नमस्कार सर। श्रीराधे श्रीराधे जी, मुझे बहुत खुशी है। मेरा बहुत, मैं बहुत समय से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ सर। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 5 फरवरी सन 1995। जी। और दोपहर के 35 से 40 के बीच का है सर। दोपहर के 35-40 क्या? 3:35 और 35 से 40 के बीच का जन्म है सर। कहाँ का जन्म है? श्री गंगानगर राजस्थान का है सर। बताएं प्रश्न कर लीजिए। सर इसका भविष्य कैसा है? मुझे यही किसी ज्योतिषों ने बताया गया कि ये भी गंडमूल में पैदा हुई है सर। इसके बचपन में भी काफी चोटें लगती थी और अब भी कभी कभार चोट लग जाती है। ये पढ़ाई में कैसी रहेगी इसकी? सरकारी नौकरी का योग है सर। और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए ठीक कहा आपने, गंडमूलों में है ये और दो राय नहीं, इसमें रेवती नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। और कुंडली देखिए अच्छी है, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मामला यहाँ पे गड़बड़ है। हालांकि पति बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी बेटी में दोष रहेगा। 8वें में इसके सूर्य और बुध बैठे हैं, ये दोषपूर्ण है, बाकी तो कोई कहीं से हमें कमी नहीं दिख रही है। नौकरी इसको मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करवाइएगा। शुक्रवार का व्रत करवा दीजिए, जिससे दाम्पत्य जीवन इसका कभी दिक्कत में ना आने पाए। एक ही शादी है, परेशान मत होइए, निभा ले जाएगी। पति अच्छा मिल रहा है, अपनी बेटी को संस्कार देने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर नॉनवेज एकदम नहीं, मांसाहार से परहेज करवाइएगा। एक आंवले का पौधा देवी मंदिर में दान करवा दीजिए, बस बाकी सुबह। बिल्कुल, तो चलिए तारावंती जी ये उपाय कीजिएगा। अब जान लेते हैं कि क्या कुछ खास नुस्खा, क्या कुछ खास उपाय हम लेकर आए हैं किचन पिटारा में। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि सुबह सुबह आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, शाम तक पूरा दिन आपका अच्छा जाता है, लेकिन शाम होते होते घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती है, दोस्तों के साथ अनबन हो जाती है, कलेश हो जाता है। आखिर उसके पीछे की वजह क्या कुछ है, कैसे उस कलेश को हम दूर कर सकते हैं, वो खास उपाय देखिए। सूरज अपने किरणों को शांत किया, शनि का प्रभाव बढ़ गया। शनि का प्रभाव बढ़ेगा तो कलह क्लेश तो उसके साथ कनेक्टेड है। अगर किसी घर के मुखिया की कुंडली में शनि का दोष ज्यादा प्रबल है तो ऐसे लोगों के घर में दिन ढलते ही कुछ न कुछ क्लेश शुरू हो जाता है। सामग्री इसके अंदर क्या है? सरसों का तेल। सरसों के तेल का प्रयोग देखिएगा, पहले इसके विषय में जाने। स्किन इन्फेक्शन को कम करने में सहायक होता है, बालों की ग्रोथ के लिए बेहद प्रयोग में लाया जाता है। इस तेल को कड़वे तेल के तौर पर भी कहा जाता है, जाना जाता है। जोड़ों के दर्द आदि, गठिया आदि में ये विशेष रूप से कारगर होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। शनि मंगल का प्रभाव है। एक कटोरी में सरसों का तेल डाल लीजिएगा, मात्रा अपने हिसाब से आप 1 चम्मच 2 चम्मच रख लीजिएगा। 1 चुटकी नमक और 108 बूंद गंगा जल मिला लीजिए। सब सामग्री देखिए। अब मिडिल फिंगर से, शनि की उंगली से 108 बार चलाना है। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। कुछ देर के लिए तुलसी के पौधे के नीचे रख दीजिए। इसके बाद वहां से उठाकर पूरे घर में दूर्वा से छिड़काव कर दीजिएगा। बस इतना सा काम करना है। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन जब तक चाहें आप कर लें, जल्दी ही रिजल्ट दिख जाएगा। प्रभाव ज्यादा निगेटिव रहेगा तो हो सकता है कि 4-10 दिन करना पड़े, अन्यथा तो एक ही बार में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए ये उपाय जरूर कीजिएगा अगर आपको अपने घर से सभी तरह के कलेश को दूर करना है। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जाते जाते जरूर देखिए आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम की झलक।
10,000. You can't be serious. 10,000? It's unbelievable. 10,000. 10,000. Now that's a record. You should try breaking. 10,000 Tata Primas on the road. Tata Prima. The way the world trucks. चलिए ब्रेक के बाद अब जान लेते हैं वो विधि जिसके जरिए आपको कल सुबह का पवित्र स्नान करना है। बिल्कुल, कल जब आप प्रातःकाल स्नान करें सिंहस्थ कुंभ के पूर्ण लाभ के लिए, वैशाख स्नान के लाभ के लिए, तो 3 चुटकी चीनी और सफेद तिल यह मिला लीजिएगा अपने जल में और फिर उस जल को अपने मस्तक से लगाकर मथवान करके इसके बाद फिर आप स्नान आरम्भ करेंगे। प्रकृति की शक्तियों को अपने अंदर महसूस करेंगे, पूरे दिन चैतन्य रहेंगे आप और पवित्रता आपकी आत्मा में बस जाएगी। तो चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, महेंद्र जुड़ गई है दिल्ली से। महेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी महेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए लगता है कुछ डिस्टरबेंस आ गई है, लेकिन आचार्य जी हालांकि सभी दोषों के बारे में आपने बताया है लेकिन इन सभी दोषों का एक ही उपाय होता है, वो उपाय कौन सा है? बिल्कुल, देखिए दोषों को खत्म करने के लिए, गंडमूल के दोष को समाप्त करने के लिए आपको अलग अलग जगहों का जल लेना चाहिए। 7 चौराहों का जल कहा गया, 7 गौशाला की मिट्टी, 7 अलग अलग पौधों की पत्तियों का रस मिला करके सूप लेकर के, छलनी लेकर के बच्चे के सर पर, जो जातक है जिसके ऊपर गंडमूल का प्रभाव है उसके सर पर इसका पानी डाला जाता है, इससे नक्षत्रों का दोष समाप्त होता है। एक ही उपाय होता है, मूल शांति का कोई और उपाय नहीं है। 27 दिन के अंदर में ही करवाना अनिवार्य होता है। 27 दिन के बाद अगर बच्चा बड़ा हो गया है, बालिग हो गया है, एडल्ट हो गया है, तब उस नक्षत्र के स्वामी के मंत्रों का 75,000 जाप करा करके ही शांत हो पाता है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है जिसको हमने सटीक पाया है। बिल्कुल, तो चलिए दोष है लेकिन उसका उपाय भी है, सभी तरीके के उपाय आप कर सकते हैं। हजारों की तादाद में आचार्य जी मेल्स भी हमारे पास आए हैं, उनमें से एक मेल है जिनका नाम है प्रकाश। समय बताया गया है 5:25 सुबह का, डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1988, जन्म स्थान है दिल्ली। इनका समय फिर से बताइए। हाँ जी, समय है 5:25 सुबह का। जी इनका प्रश्न है कि मेरी शादी कब तक होगी, करियर कैसा रहेगा और क्या मेरा खुद का मकान होगा? बिल्कुल प्रकाश जी, देखिए कुंडली आपकी कन्या लग्न की है, 2 मकान आपके 100% गारंटीड है। करियर आपका अच्छा रहेगा लेकिन अपना व्यापार करेंगे आप, उसमें ज्यादा उन्नति रहेगी। बेहतर है कि आप प्रत्येक शनिवार व्रत करें। 2024 तक शनि की आपकी महादशा चल रही है, लग्नस्थ बुध के द्वारा भद्र नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है, इसका एडवांटेज लेना है तो गणेश जी की उपासना भी करते रहिए। बिल्कुल, तो चलिए उम्मीद करते हैं प्रकाश जी आपने अपना उपाय सुन लिया होगा। फिलहाल आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो फिलहाल कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक जरूर देखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।